छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवा रंग को लेकर कहा कि यह रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इसे सांसारिक जीवन को त्याग कर सेवा करने वाले धारण करते हैं। उन्होंने पूछा कि बजरंग दल ने कौन सा त्याग किया है जो वे भगवा रंग धारण किए हुए हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, यदि भगवा रंग धारण किए हैं तो उन्होंने त्याग क्या किया है? कपड़े कोई रंग के पहन सकता है, मान लो काले रंग के जैकेट पहन के आज मेरे विरोध करने थोड़ी आए, कि कपड़ा वस्त्र है, वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ धारण करते हैं, वो अंगीकार करते हैं, तो वो एक अलग बात है। और आपने अंगीकार किया है तो बजरंग दल के लोग बताएं कि उन्होंने त्याग क्या किया है, क्योंकि प्रतीक भगवा है और त्याग का प्रतीक है। यदि मैं बोल रहा मैं बयान दे रहा हूँ गलत है तो बताए, वो त्याग के प्रतीक है कि नहीं है? सर्वोच्च त्याग, इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वो ही है, कि भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा है, वो त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में भी, हमारे भारतीय समाज में भी त्याग को सर्वोच्च स्थान मिला है। जिन्होंने अब समाज के लिए, देश के लिए सर्वोच्च त्याग किया है, उसका सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। ये बताएं क्या त्याग किए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव में प्रशिक्षण लेने वाली युवती वंदना कावड़े का चयन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में किया गया है। इस चयन पर कोंडा गांव कलेक्टर दीपक सोनी ने उन्हें बधाई दी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने बताया कि वंदना ने बहुत मेहनत की और परिश्रम किया, जिसका फल उन्हें प्राप्त हुआ है। वंदना कावड़े ने हमारे ट्रेनिंग से बहुत अच्छा परिश्रम करके आज ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन हुई है, और इसका इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, जिसकी बदौलत इनको आज SSC निकाल के इनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, और ये कल रायपुर में ज्वाइन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की भिलाई में सभा के दौरान पथराव हो गया, जिसे लेकर पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता OP चौधरी ने निंदा व्यक्त की और कहा कि इस कृत्य से कांग्रेस की राजनीति एक्सपोज हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना धर्म निभाती रहेगी। भिलाई में अजय चंद्राकर जी की सभा थी। उस सभा में अजय चंद्राकर जी के साथ साथ दयालदास बघेल जी, वहां के जिलाध्यक्ष, वहां के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, सभी वरिष्ठ जन वहां पे उपस्थित थे। माताएं बहनें भी वहां उपस्थित थी, और वहां पर पथराव हुआ। पूरे पुलिस की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में, सबको सूचित होने के बाद किए जा रहे कार्यक्रम, इस तरह का पथराव हुआ है। ये कांग्रेस के राजनीति के तरीके को सबके सामने लाकर रख देती है। इससे कांग्रेसी एक्सपोज हुए हैं, कांग्रेस की भय और आतंक की राजनीति एक्सपोज हुई है। विपक्ष पर आप कितने भी दबाव की राजनीति करें, कितने भी डराने धमकाने की राजनीति करें, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर आकर और अपनी मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के चुनाव के पहले निर्णय लेने वाले बयान को सही बताया। उन्होंने कहा कि नेता हमेशा चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही निर्णय लेते हैं। उन्होंने इस बात को अपने ऊपर लेते हुए कहा कि मैं भी कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि सहयोग करोगे या नहीं। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से पूछ, सभी ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं, मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना होता है कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, लड़ना है कि नहीं लड़ना, भी सहयोग दोगे नहीं दोगे, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन POP कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाओ, मैंने ऐसे घर की कल्पना की थी।
भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजरंग दल व भगवा रंग पर दिए गए बयान पर निंदा व्यक्त करते हुए आपत्ति जताई। साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिंदू विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिंदुओं से माफी मांगे और ऐसी पुनरावृत्ति न करने का वादा करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया है वो अत्यंत निंदनीय है, आपत्तिजनक है। आज छत्तीसगढ़ में कौन गुंडई कर रहे हैं, कौन छत्तीसगढ़ को लूट रहा है और किसके संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान रही है। ये भूपेश बघेल के हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं से वो कितना घृणा करते हैं ये इस बात को दर्शाता है। भूपेश बघेल जी हिंदू समाज से माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो ये उन्हें बोलना होगा। छत्तीसगढ़ के अभ्यारणों में बाघों को लाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पास बाघों के लिए वातावरण अनुकूल है। उन्होंने कहा कि वे उन राज्यों से मांग करेंगे जहां बाघों की संख्या अधिक है। मुख्यमंत्री ने ये बातें छत्तीसगढ़ में कम होती बाघों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में कहीं। हमारे पास परिस्थितियां अनुकूल है, बहुत सारे क्या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहें, अचानक मार कहें, बार नवा पारा कहें, तो बहुत सारे ऐसे बस्तर में हमारे कांगेर वैली है, ये ऐसे हैं जहां इनके लिए अनुकूल वातावरण है। लेकिन हमारे पास टाइगर पहले 46 थे, वो घट गए। तो जिन राज्यों में अधिक है वहाँ से हम लोग मांग करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र में भी अभी जगह छोटी है, बाघ ज़्यादा हो गए हैं, वो कभी कभी छत्तीसगढ़ भी भ्रमण को आ जाते हैं, तो यदि उनसे मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रायगढ़ में पार्षद पुत्र और पूर्व पार्षद के बीच आपसी रंजिश एसपी कार्यालय तक जा पहुंची। पूरा मामला सट्टा खिलाने को लेकर शुरू हुआ जिसमें महिला भाजपा पार्षद पुष्पा साहू ने मोहल्ले में सट्टा खिलाने को बंद कराने पूर्व पार्षद के घर पहुंची जहां उसके साथ मारपीट हो गई। मारपीट की शिकायत भाजपा पार्षद ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि एक दिन पहले सट्टे के खिलाफ कार्रवाई में पार्षद का बेटा ही पकड़ा गया है। पुलिस ने अब मामले की दूसरे एंगल से जांच शुरू कर दी है जिसमें पार्षद ही फंसती नजर आ रही है। वार्ड नंबर 34 में दो तीन दिन पहले अभी एक सट्टा एक्ट की कार्रवाई हुई थी जिस पर पार्षद के लड़का के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसके दूसरे दिन ही पार्षद अपने कुछ साथियों को लेकर के एक दूसरे लड़के के पास में गई और तुमने मुखबिरी किया है और तुम लोग सट्टा खिलाते हो और इस प्रकार की कार्रवाई कराते हो, इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। तो उस दिन पार्षद अपने कुछ समर्थकों को लेकर के यहाँ पहुँची थी परिवारजनों के साथ में, तो उसके रिपोर्ट पर 2-5-6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था कोतवाली थाने में। फिर सेम डे उन लोग नहीं आ पाए थे दूसरे पक्ष वाले, दूसरे पक्ष वालों का भी रिपोर्ट आया रात में और बताया गया कि हमारी दुकान में घुस करके ज़बरदस्ती इस तरह का से मारपीट करना और कुछ पैसे और मोबाइल को लूट कर ले जाना, उसके बाद उसको नहीं देना, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर भी आज पार्षद पति पार्षद और उनकी कुछ महिला मित्रों के खिलाफ में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव के पहले निर्णय लेने वाले बयान को लेकर कहा कि सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है, सिर्फ एकला चलो की नीति चलाई जा रही है। चंदेल ने यह भी कहा कि सरकार के ही मंत्री सरकार के कामों से खुश नहीं हैं। कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है, यह इस बात का द्योतक है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार सीमा को लेकर मौन साधे हुए है। लोकसभा के सत्र में चर्चा न करने का आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाया। उन्होंने अग्निवीर योजना को सेना को कमजोर करने के लिए लाई गई योजना बताया। वहीं कल मैं ट्विटर में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए हैं सेना के जवानों के बारे में, तो उसके बारे में तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं वो दुनिया के गिने चुने सेना में से एक है। हमारे सेना उन हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीमा को लेकर मौन साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? ये सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना। और जब विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार भाग क्यों रही है? चर्चा करना चाहिए, तो ये करते नहीं और दाएं बाएं बात करते रहते हैं। सेना की क्षमता पे किसको किसको शंका भाई? दूसरी बात, सेना कमजोर करने के लिए अग्निवीर ले आए, 4 साल में प्रशिक्षण करेंगे कि वो सीमा में तैनात होंगे और उसके बाद 17 साल में भर्ती होगी, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और शादी कार्ड में छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना के जवान के साथ सेना कमजोर करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है।